वो भी स्थान से डिगा सकती है जिसके मन में ये आस्था और ये विश्वास बैठ जाए कि जीवन और मृत्यु तो केवल ईश्वर के हाथ है, जो ये भेद पाले कि जिलाने वाला और मारने वाला वही परम परमेश्वर है और कोई नहीं, उसके मन से मृत्यु का भय निकल जाता है। और जिसके मन से मृत्यु का भय निकल जाए वो जीवन की किसी भी विपदा का सामना कर सकता है। प्रहलाद के मन में यही अडिग विश्वास है। उसे ज्ञात है कि यदि विधाता ने उसके भाग्य में जलकर मरना नहीं लिखा है तो आग उसे छू भी नहीं सकती। मुझे तो ये जानने की उत्सुकता है कि सिंहिका का क्या होता है, जो समझ रही है कि अग्निदेव का वरदान उसके मन की इच्छा पूरी कर दिखाएगा। वो खड़ी आ ही गई पुत्र, जिसकी तुम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरे भी जीवन की अनमोल घड़ी, तुम्हारे जीवन की अद्भुत घड़ी पुत्र। जो भी इस चमत्कार को देखेगा भूल नहीं पाएगा, और जो भी इस चमत्कार की चर्चा सुनेगा सिहर उठेगा। रहते महाप्रलय तक आज की इस प्रदर्शनी की चर्चा रहेगी। चलो पुत्र। सर्वेश्वर, सर्वेश्वर, नारायण नारायण। हे देवर्षि, पुत्र प्रहलाद अग्नि में प्रवेश करने जा रहा है। ये देखकर मैं आपके नारायण को सावधान करने गई तो वो स्वयं अग्नि में तप रहे हैं, मानो उनके शरीर से ज्वालाएं निकल रही हैं। आप बहुत दयालु हैं माते, ममता का भंडार है। प्रहलाद के स्नेह ने तो आपको सब कुछ भुला दिया। क्या भुला दिया? यही माते, कि इस अवस्था में आपको इन्हें छूना नहीं चाहिए था। आपको तो याद ही होगा माते, इसी प्रकार इसी अवस्था में एक बार कयाधु ने पुत्र प्रहलाद को छू लिया था, उसके तो हाथ भी जल गए थे। हाँ, मैं तो सचमुच व्याकुलता में भूल ही गई थी। माते, पुत्र प्रहलाद को जो मैंने योग ज्ञान दिया था वह मेरे नारायण की ही तो देन थी। जब उसे इस अवस्था में कोई नहीं छू सकता तो मेरे नारायण तो योगेश्वर हैं, योग का स्रोत है, योग का आधार है, योग के आदि और अंत हैं, स्वयं योग हैं। इस अवस्था में तो आपके अतिरिक्त उनके कोई निकट भी नहीं पहुंच सकता। परंतु हे देवर्षि, मैं तो इनको प्रहलाद पर आए संकट के विषय में बताना चाहती थी। वही समस्या लेकर तो मैं भी आया था माते, मैं भी यही बताना चाहता था। परंतु नारायण को इस अवस्था में देखकर लगता है कि मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। माते, मेरी तो सारी शंकाएं मिट गई। नारायण नारायण। भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र, तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है? कैसा भय बुआ श्री, मुझे तो आनंद आ रहा है। जैसे जैसे लपटे मेरी और बढ़ रही है, मुझे विचित्र सी शीतलता का अनुभव हो रहा है। लग रहा है जैसे शीतल जल की लहरें मेरे शरीर को छू रही हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हें तो अग्नि देव ने वरदान दिया था, ये कैसे हो गया? प्रहलाद की मायावी शक्तियों ने अग्नि देव के वरदान को मात दे दी। किसके मंत्र की शक्ति के आगे वरदान की शक्ति छीन हो गई। उसको जीवित नहीं छोड़िएगा, जीवित नहीं छोड़िएगा। सिंगिका, सिंगिका!
श्री हिरणाक्ष का वध किया, मेरी बहन सिंहिका को जलाकर राख किया। मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगा जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं करूंगा, जैन की एक श्वास भी नहीं लूंगा। अब तू मेरे क्रोध के प्रकोप से बच नहीं सकता। सुना तूने? विष्णु ने मेरे भ्राता श्री हिरणाक्ष की हत्या की थी और तूने मेरी बहन सिंहिका की हत्या की। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चल माते, स्वामी मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। स्वामी माते, 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 मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। सेनापति, यदि इसे किसी ने भी भोजन अथवा जल दिया तो उसका वध कर दिया जाएगा। इसे कुछ नहीं मिलना चाहिए। सूर्य की किरण तक इसके समीप नहीं पहुंचनी चाहिए। ये अंधकार में ही जिएगा और अंधकार में ही अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देगा। देखा आपने महादेवी, सिंहिका को अपनी भूल का विस्मरण हुआ और उसका दंड भी मिला। हे दया सागर, हे करुणा सिंधु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरे पुत्र की रक्षा की। महादेवी, अग्निदेव ने जो अग्नि प्रज्वलित की थी उसमें सोना भी था और कोयला भी। प्रह्लाद सोना था जो तपकर कुंदन बन गया और सिंहिका कोयला थी सो जलकर राख हो गई। मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हूँ कि अग्निदेव ने सिंहिका को जलाकर भस्म कर दिया। केवल सिंहिका को नहीं महादेवी, सिंहिका के रूप में इस अग्नि ने पाप, खोट, असत्य और अहंकार को जलाकर भस्म कर दिया। इस अग्नि ने तो समस्त संसार के तन मन का सारा मैल जलाकर राख कर दिया। सिंहिका तो जलकर भस्म हो गई पर अपने पीछे एक इतिहास छोड़ गई। कैसा इतिहास कमल नयन? सिंहिका अग्नि में जलकर होलिका बन गई। उसका सिंहिका नाम भुला दिया जाएगा महादेवी। इतिहास उसे होलिका कहकर पुकारेगा। एक नई परंपरा जन्म ले चुकी है महादेवी। वसंतोत्सव में होलिका को जलाकर पाप का अंत करने की एक परंपरा बन जाएगी। पाप की होली जलाई जाएगी और यह उत्सव मनाया जाएगा रंग खेलकर, गुलाल उड़ाकर। महादेवी, होलिका अब सदा के लिए असत्य की पराजय का एक प्रतीक बनकर रहेगी। परंतु हे सर्वेश्वर, आप देखिएगा, अब हिरण्यकश्यपु अपना सारा क्रोध अग्निदेव पर उतारेगा। वो बल खा रहा है क्योंकि अग्निदेव ने सिंहिका को जो वरदान दिया था वो तो असफल हो गया। मुझे अब अग्निदेव से सहानुभूति हो रही है। महादेवी,
जिस प्रकार अग्नि इस्पात को गला तो सकती है परंतु जला नहीं सकती, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु देवताओं को आतंकित तो अवश्य कर सकता है परंतु वो उन्हें मार नहीं सकता। इसीलिए तो मैंने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं में अमृत बांटा था कि सारे देवतागण जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल आए। महादेवी, सिंहिका ने तो अपनी करनी का फल पाया, उसे दंड मिला, परंतु अग्निदेव को भी इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना होगा कि सिंहिका के चरित्र को जानते हुए भी उन्होंने उसे इतना महान वरदान क्यों दे दिया। और अग्निदेव का वही उत्तर मनुष्य को कर्म का सही मार्ग दिखाएगा। महादेवी, आज फिर मुझे इंद्रलोक में आना पड़ा, इंद्रासन पर बैठना पड़ा, केवल तुम देवताओं को यह स्मरण कराने के लिए कि अभी तक देवलोक का स्वामी मैं हूं। मैं भगवान हिरण्यकशिपु, अभी तक यह आसन मेरा है, मेरा अभी तक। तुम सब मेरे अधीन हो, मैंने तुम सब पर विजय प्राप्त की थी, तुम सब पर। मैंने तुम्हारे अहंकारी सिर अपनी शक्ति से झुकाए थे, अपनी शक्ति से झुकाए थे मैंने। अग्निदेव, कहाँ हो तुम? सामने आओ। तुम स्वयं को देवता कहते हो, स्वयं को श्रेष्ठ समझते हो, धिक्कार है तुम्हारे देवता होने पर, धिक्कार है तुम्हारी शक्तियों पर, धिक्कार है तुम्हारे वरदान पर। क्या लाभ है तुम्हारे देवत्व से, क्या लाभ है तुम्हारे वरदान का? अग्निदेव, तुमने मेरी बहन सिंहिका को वरदान दिया था कि अग्नि उसे क्षति नहीं पहुंचा सकती, किंतु तुम्हारा तुच्छ और क्षीण वरदान परीक्षा का पहला आघात भी सहन न कर सका, पहला आघात भी नहीं। और मेरी बहन चलकर भस्म हो गई, केवल तुम्हारे कारण अग्निदेव, केवल तुम्हारे कारण। मेरी बहन ने तुम्हारी उपासना की थी, तुमने यह फल दिया उसका अग्निदेव, यह फल दिया। हे असुरराज, मैंने वरदान देते समय सिंहिका को चेतावनी दी थी। कैसे चेतावनी? मैंने उसे सावधान कर दिया था, इस वरदान का दुरुपयोग ना किया जाए, नहीं तो यह अपना प्रभाव खो बैठेगा। मैंने सिंहिका की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान आत्म सुरक्षा के लिए कवच के रूप में दिया था, इसे शस्त्र के रूप में, किसी का वध करने के लिए नहीं। सिंहिका ने इसे अपने कवच के स्थान पर प्रहलाद की हत्या करने वाला शस्त्र बना लिया और वह प्रभावहीन हो गया। प्रभावहीन हो गया तुम्हारा वरदान? हां सुराज, वरदान किसी के लिए अपने सुख का कारण होना चाहिए, किसी और के दुख का कारण नहीं। और सिंहिका ने सत्य को भुला दिया, इसलिए वही हुआ जो होना था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं और न मेरे दिए हुए वरदान का। असुरराज, छली हो तुम, कपटी हो तुम समस्त देवता, और सबसे बड़ा कपटी है तुम्हारा वो विष्णु। यदि उसने तुम सबको छल से अमृत ना पिलाया होता, अभी इसी घड़ी इसी स्थान पर तुम सबके सिर धड़ से अलग कर देता। सेनापति